माइग्रेन पेन के लिए अनुलोम विलोम के साथ थोड़ा बादाम रोगन, बादाम रोगन हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ये छोटा पैक भी है इसके अंदर, बड़ा पैक भी है, अभी का पैकिंग थोड़ा चेंज किया है। ये बादाम रोगन नाक में डालने के लिए, दूध में एक चम्मच डाल करके पीने के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा, जिनको किसी भी तरह के मस्तिष्क के रोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी औषध है, बादाम रोगन बादाम श्री। तो ये इसके नाम पर बहुत ठगी चलती थी, क्वालिटी के नाम पर भी, मिलावट और प्राइस में भी बहुत ठगी चल रही थी। करीब आधे दाम पर हमने 100% हम खुद निकालते हैं बादाम रोगन, जैसे सरसों का तेल आपको हम उपलब्ध कराते हैं, वो कच्ची घानी का पूरी व्यवस्था की हुई है। और अब तो जो है ऐसे बादाम रोगन का, ये बादाम रोगन हम खुद निकालते हैं। खैर आपको आगे बता रहे हैं, हम जरा गौर से सुनिए। अनिद्रा के लिए मैंने आपको मेधावटी, बादाम रोगन नाक में डालना और एक चम्मच दूध में डाल करके पीना। और एक ख़ास बात आपको मैं बता रहा था कि आयुर्वेद में कहा है कि सोते समय पैर की तलवों में मसाज करो, तो बादाम रोगन की, नारियल के तेल की अथवा तिल के तेल की उसकी मालिश करनी चाहिए पैर के तलवों में सोते समय, आयुर्वेद में विधान है। कुछ छोटी छोटी बातें दिनचर्या की, इसके ऊपर पूरे के पूरे शास्त्र लिखे गए हमारे यहाँ पर, दिनचर्या लाइफस्टाइल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खैर तो बादाम रोगन की मालिश करनी चाहिए, खास करके 40 साल के बाद तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, नींद नहीं आती है, तलवे जलते रहते हैं, पैर जलते रहते हैं, बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं। ऐसे भी पैर में के तलवों में मालिश करने से, बादाम रोगन नाक में डालने से और एक चम्मच दूध में पीने से, इससे दिमाग बहुत रिलैक्स रहता है और बहुत तरह की समस्याओं से आप बच जाते हैं। ये दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, साइनस और सब तरह की समस्याओं से बच जाते हैं। अब बड़ी बीमारियों में लेते हैं हम, माइग्रेन पेन के लिए तो मेधावटी भी ले लेना, बादाम रोगन और नाक में भी डालिए पी लिया तो माइग्रेन पेन ठीक हो जाए।